इंडियन आर्मी में क्यों बनाए गए रेजिमेंट्स? ब्रिटिश हुकूमत से क्या है संबंध? रेजिमेंट्स को जातियों के क्यों दिए गए नाम? आपने सुना ही होगा, जाट रेजिमेंट्स, राजपूताना रेजिमेंट्स वगैरह। भारतीय सेना में कई ऐसे रेजिमेंट्स हैं जिनके नाम जातियों के नाम पर रखे गए हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठे हैं कि भारतीय सेना में रेजिमेंट्स के नाम जातियों के नाम पर भी क्यों रखे गए हैं? इसके पीछे का क्या मकसद था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें भारतीय सेना के इतिहास के पन्नों में झांकना होगा, जो आपको ब्रिटिश काल में ले जाएगा। आज की इंडियन आर्मी को आप जिस रूप में देखते हैं, उस वक्त इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। अगर आपको भारतीय सेना के रेजिमेंट्स के नाम जातियों के आधार पर क्यों है यह जानना है, तो सबसे पहले रेजिमेंट्स के गठन के बारे में जानना होगा, रेजिमेंट्स को समझना होगा। रेजिमेंट्स क्या हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय सेना के तीन विंग हैं, थल, जल और वायु सेना। यहाँ ये जान लीजिए कि जल और वायु सेना में रेजिमेंट्स नहीं होते, ये केवल थल सेना में ही होते हैं। दरअसल रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी का एक सिस्टमेटिक हिस्सा है। इसी रेजिमेंट के जरिए एक तरीके से सैनिकों का दल तैयार किया जाता है। इंडियन आर्मी में ढेर सारे रेजिमेंट्स हैं। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझें तो रेजिमेंट्स थल सेना के वो ग्रुप्स होते हैं। इन्हीं को मिलाकर थल सेना अपना पूर्ण रूप धारण करती है। रेजिमेंट की शुरुआत। आर्मी में रेजिमेंट बनाने की शुरुआत आज़ादी के बाद नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया में ही हुई थी। उस वक्त भारतीय सेना नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। उसी वक्त से अंग्रेजों ने समय समय पर जरूरत के मुताबिक अलग अलग ग्रुप्स में सैनिकों की भर्ती की थी। ये ग्रुप्स क्षेत्रों या फिर जाति या फिर समुदाय के आधार पर बनाई गई थी। इनके ही आधार पर रेजिमेंट्स को बनाया गया था। शुरुआती दौर में ये रेजिमेंट्स मुख्य रूप से पैदल सेना का हिस्सा हुआ करती थी, जो कि वॉर के वक्त सबसे आगे मोर्चा संभालते थे। जाति के नाम पर रेजिमेंट्स क्यों? जाति के आधार पर रेजिमेंट्स क्यों बनाए गए ये जानने से पहले जानते हैं भारतीय सेना में जाति आधारित कितने रेजिमेंट्स हैं। राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ये वो रेजिमेंट्स हैं जो जाति आधारित हैं। अंग्रेजों ने जाति आधारित रेजिमेंट्स का गठन अपने खिलाफ होने वाले विद्रोहों का दमन करने के लिए किया था। उन्हें इसकी जरूरत 1857 के विद्रोह के बाद महसूस हुई, क्योंकि स्वतंत्रता के इस पहले संग्राम में उन्होंने देखा कि भारतीयों में काफ़ी एकता है। फिर क्या था, उन्होंने कास्ट बेस पर अपनी चाल चली। अंग्रेजों ने उन इलाकों को चुना और उनकी जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाया गया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार विद्रोह करते चले आ रहे थे। इन जातियों में ज़्यादातर गोरखा, राजपूत, डोगरा जातियाँ शामिल थी। उसी वक्त अंग्रेजों ने एक कमीशन भी बनाई, जिसका नाम जोनाथन पिल कमीशन था। इस कमीशन को भरोसेमंद भारतीय सैनिकों को चुनने की जिम्मेदारी दी गई। वो मार्शल और नॉन मार्शल कैटेगरी में बांटकर सैनिकों का चुनाव करते थे। मार्शल में लड़ाके जातियों को रखा गया। अंग्रेजों के मुताबिक राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान और बलोच वगैरह जातियों को मार्शल की कैटेगरी में चुनाव किया गया। फिर इन्हीं जातियों के आधार पर इन जातियों के लोगों की भर्तियां शुरू की गई और उनका नाम भी दिया गया। क्या जाति के आधार पर होता है सिलेक्शन? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जातियों के नाम वाले रेजिमेंट्स में उन्हीं नामों वाले जातियों का सिलेक्शन होता है? यहाँ दो बातें साफ होनी जरूरी है। पहला ये कि आज़ादी के बाद से इंडियन आर्मी में जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनाया गया है। साथ ही आज की तारीख में सेना में भर्ती के लिए हर पद के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, वो सभी जातियों के लिए एक हैं। हाँ, सेना में भर्ती हो जाने के बाद जाति आधारित रेजिमेंट्स में सैनिकों का रिक्रूटमेंट होता है। फिर भी ये जरूरी नहीं कि जो जिस जाति से आता है उसे उसी की जाति वाले नाम के रेजिमेंट्स में नियुक्त किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जाट रेजिमेंट में जाट के अलावा राजपूत और मुस्लिम सैनिक भी भर्ती हो सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।